कहते हैं कि मेरी बीवी जो है वो दीनदार है, और परहेजगार भी है, लेकिन अपनी छोटी बहन से उसको बोल है। ठीक, ये फिर दीनदारी कहां रही? दीनदार तो किसी से बुग्ध भी रखता है। हजूर पाक की हदीस है कि आदमी रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो या ताल्लुक हो, ईमान वाला जो है किसी से 3 दिन से ज्यादा वो बुग्ध भी रखता है, और 3 दिन से ज्यादा किसी से ताल्लुकात को नहीं तोड़ सकता। उसको चाहिए कि अपने दिलों को साफ करे, चूंकि ईमान की निशानी ये है। इसलिए कुरान कहते हैं क़यामत वाले दिन हम मोमिनीन के दिलों से कीना और बगद और इनाद जो है निकाल देंगे, उनके दिल साफ हो। तो जब तक दिल साफ ना हो फिर परहेजगारी या दीनदारी का क्या फायदा है? असल में मुश्किलात ये हो गई हैं मेरे भाई, आजकल लोगों ने दीन इसी का नाम समझ लिया है कि एक आदमी ने दाढ़ी रखी हुई है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो लोग समझते हैं बस माशाल्लाह माशाल्लाह ये कोई दीन का पहाड़ हो गया। ये बात नहीं है। जब तक दीन के तमाम अहकाम पे, तमाम अवामिर पे अमल न हो और तमाम मन ही यहाँ से रुक न जाए, उसको आप ये नहीं कह सकते वो दीनदार। अब देखें कितने मुसलमान हैं, अल्लाह उनको बचाए, यानी आबिद हैं, जाहिद हैं, रोज़ा है, नमाज है, लेकिन सूद खाते, बैंकों से कारोबार है, बैंक का कारोबार तो होता ही सूद से। इसी तरीके से कई लोग हैं जो सट्टा खेलते हैं, शेयर खरीदते हैं, ये भी नहीं देखते कि जिस कंपनी का शेयर हम ले रहे हैं वो हलाल बेचती है या हराम बेचती है। तो इसलिए अपने बीवी को समझाएं कि वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। दिल के अंदर कीना रखना जो है ये बहुत बड़ी गलत अलामत है, और अल्लाह उसको तौबा की और इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। मैंने सुना है कि मिसवाक जेब में रखने से कोई एक्सीडेंट करे तो नुकसान नहीं होता। चलो जेब में रख के एक्सीडेंट कर देखो, तजर्बा हो जाएगा। यानी अल्लाह नहीं बचाता, मिसवाक बचाता है। लकड़ी है ना, टेक आ जाएगी इन्ना। अब ऐसे में मेरी बेटी लोग घड़ते हैं मसले में, क्या करूँ।